अस्सलामुअलैकुम नाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर टॉपिक वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस कर चुके हैं, मेजर कैसे करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो डिस्कस कर चुके हैं। अब वेरिएशन को करेंगे, जो तब्दीली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होती है उसको। अब जब जैसे ही हम गो अप करते हैं, मीन हाइट पर जाते हैं, तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट, हाइट के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर हम सी लेवल पे हैं, तो जो सी लेवल और यहाँ पर माउंटेन है, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा और माउंटेन पे जाएंगे तो कम हो जाएगा। सी लेवल पे हमारे पास कितने, 1,13,000 पास्कल, और यहाँ पर माउंटेन लेवल पे 13 किलोमीटर जो हाइट है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मरकरी का, ठीक है, तो वो क्या होगा, 7 मिलीमीटर, जो किसके इक्वल होगा, 7,000 पास्कल, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, माउंटेन पे जाके ठीक डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हाइट पे जैसे जैसे जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा। अब वैक्यूम या स्पेस पे जाएं तो क्या होता है, प्रेशर ज़ीरो हो जाता है, एयर पे प्रेशर ज़ीरो होता है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि सी लेवल पे क्या है, ज़्यादा है, जब हाइट पे जा रहे कम हो रहा है, इसी तरीके से हाइट पे जाते जाते जब स्पेस पे जाएगा जहां पर एयर नहीं होती तो प्रेशर भी ज़ीरो हो जाएगा और वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा। अब वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, टू फाइंड आउट द एल्टीट्यूड। अगर हमने एल्टीट्यूड फाइंड करना हो तो हम किसके थ्रू करते हैं, जिस जगह का हमने एल्टीट्यूड फाइंड करना है तो हम उस जगह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके तो फिर हम एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, वेदर चेंज होता है। अब वेदर कैसे चेंज होता है, अब जैसे हमारे पास हॉट वेदर होता है, हॉट डे होता है या कोल्ड डे, ठीक है, जो हम कहते हैं गर्म मौसम में सर्द है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, वेदर चेंज होता है। तो वो कैसे चेंज होता है कि जब हॉट डे होता है तो इसका क्या मतलब होता है कि जो अर्थ से ऊपर हवा है वो गर्म है। अब जो एयर में पार्टिकल्स हैं उनमें जब काइनेटिक एनर्जी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। जब वो फैल जाते हैं तो क्या होता है कि दूर दूर चल जाते हैं मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स, तो हमारे पास क्या होता है, प्रेशर लो हो जाता है। जब लो प्रेशर होता है तो हमारे पास क्या होता है, हॉट वेदर आता है, जिसकी वजह से हमारे पास डे जो हो जाते हैं वो हॉट हो जाता है। सिमिलरली जब हाई प्रेशर होगा, कोल्ड वेदर होगा, और हमारे पास विंटर आ जाते हैं, ठीक है, समर और विंटर भी इसी वजह से आती हैं। अब हमारे पास क्या, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर जब एक एरिया में हाई प्रेशर हो तो वो दूसरे उस एरिया में जाएगा जहाँ लो प्रेशर होगा। जो हाई प्रेशर है वो हमेशा मीन्स ज़्यादा से कम वाली जगह पे, अब ये तो हमें नेचुरल भी पता है कि डेफिनेटली सी बात है कि अगर हम एक जगह पे पानी ज़्यादा है और दूसरे पे पानी कम है तो पानी हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। सिमिलरली कि जो प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा है वो ज़्यादा से कम वाली जगह पे जाएगा। जहाँ लो प्रेशर होगा वहाँ पे क्या होगा, हॉट वेदर होगा, और जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ पे कोल्ड वेदर होगा। अब जहाँ हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर की तरफ जाएगा, जब वो लो प्रेशर की तरफ जाएगा तो वहाँ का वेदर चेंज हो जाएगा, जब वेदर चेंज होगा तो क्या होगा, रेनफॉल होगी। इसी तरीके से जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है, और वहाँ से प्रेशर मूव नहीं करता और टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है जैसे मरी में, तो वहाँ क्या होता है, स्नोफॉल होती है। और सिमिलरली या तो रेन हो जाएगी हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की तरफ जाएगा, या रेनफॉल होगी, या फिर प्लेजेंट वेदर हो जाएगा, मौसम अच्छा हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया कि वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में किस तरीके से वेरिएशन होती है, कि जब वो एल्टीट्यूड पे जाए तो वो ज़ीरो हो जाता है, हाइट पे जाए डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और स्पेस पे जाए तो वो ज़ीरो होगा, ठीक है, एल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, वेदर चेंज हो जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, और हाई प्रेशर हो तो मीन कोल्ड वेदर होगा, और लो प्रेशर तो हॉट वेदर, और इसी तरीके से प्रेशर की वजह से ही रेनफॉल होती है, ठीक है, प्लेजेंट वेदर हो जाता है, स्नोफॉल हो जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, क्लास से आपने याद रखना है। थैंक यू।